बाकायदा वर्त रखी वह जी किरण नर्सरी है उन में ये सब पैदा थे इन गाली सख्त अखबार में मदम्मत करें तो समाजी तंजीमू समाजी दोस्त उनको किरदार छावन खपे उनकी जागरूकता छावन खपे इलाके के हवाले से उनके कड़ी कोशिशों वन खा तो इन वक्त जो अज वो माहौलियाती हवाले से गंद लगो पो है जैसे लाइन बाकायदा काफ़ी दोस्त जो तो सुबे समझा तो ऑफिस माहौलियाती ऑफिस वजन पाया वह उनको वजह छा उन्हें जवाब छा उनके जवाब ये तो पेरी रेती बजरी चोरी रेती बजरी चोरी थे गड रेती बजरी चोरी थे शुरू थे असियत रौनक बर्बाद की वो सरसत जमीन तबाह थी वो नदियों नाला जी उन्होंने रेतियों खजी वो उनके नागोरी सोसाइटी है उनमें जो गंद जो सेवरेज लाइन उनको जो भी गटर जो गंदो पानी मलियत नदी में छोड़ पो वो उनएचएस सिटी तो उनकी भी सेवरेज लाइन इन ही नदी में विधी वो बेरिया टाउन है उनकी सेवरेज लाइन इन ही नदी में विधी वो सुभा नदी जिते असा बाकायदा सिर्फ बरसात में पानी नजर अची तो हो हाँ हाँ तो असा तैयारी में ये पूरी कराची के अंदर जहाँ गटर ज नाला वजन पा चंद साल ये गटर नाला इतना का ही गुजरंदा इं मजबू यही तजुबन यही मच्छर जो अजाब यही बीमारियों यही जहर जो इतना के मानों के तबाह बर्बाद कर उनके लिए मुंतखब नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कें भी किस्म जो किरदार अदा न करे कदर जो उन पा हथ का बेरिया टाउन जो भी गटर डीएचए जो भी गटर सेवरेज जी भी आए इन में बाकायदा छोड़ कर पा उनके परमिशन दिनी उनदार प्रोजेक्टन के मानों का वार्डन का उनकी सहकार सुनो है पर मलिन के मानों का कें किस्म जो सहकार ना है मलिन के मानों के हेपेटाइटिस सी में डायरिया में बी रूबी मर्दन पे उन्हें तबाह कर लगी पी है यकीन त्लियर बुझाया मीडिया के तवसे से जे 12-15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिना वह उनकी वजह महज यह है तो जे सिंध ज वसायल वे टोटल उन्होंने लिखी दिना वह चाहे वो कोयलो हो चाहे वह रेती बजरी हो चाहे वो पत्थर हो चाहे वो बे कई माना सिंध जहाँ जी भी असा वसायल उनके बदले में ये असि गवर्नमेंट जो 15 साल असे मुसलत कई रही है तो उनकी खामोशी जी पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी का जो आसिफ अली जरदार साहब आ वो भी इन चीज में बाकायदा अगर साम्राज्य कुतन का अगर मत सिस्टम ठाको वेटो है तुम 10-15 साल हुकूमत करण के लिए दियो बाकी तुम जो भी वसायल तुम खड़ो इन मुलमत करूँगा मलिर जहा जी भी बाशूर मूँ आई खास कर यूनियन काउंसिल मुराद मेमन जहाँ चार वार्ड जी में चार वार्ड पेटल जे काउंसिलर जे काउंसिलर जमील अहमद मेमन चार नंबर वार्ड जो है टे नंबर वार्ड जो नासिर गरोई है ब नंबर वार्ड जो अयाज खासकेरी है एक नंबर वार्ड जो बाबू मला है वो बाकायदा असा गड बीठल उनका मानू असा गड बीठल असं उन गड बीठल असो बोजन शख्सियत याकूब खासकेरी जो पाकिस्तान खासकेरी इताद जो वाइस चेयरमैन है साई मोहम्मद ईसा जो मलील लेवल से पाकिस्तान खासकेरी इताद जो सदर है अड़ा दोस्त असा जिनमें गिरोही जामोट समा बलोच खासकेरी मेंबर जी भी असानी कम्युनिटी रहन थी बाकायदा असा गद मुतहदा मुनजम आय असा यकीन है तो 13-23 तारीख से 23 अक्टूबर से इंशाल्लाह ताला सूरज के मोर लगाइंदा पानी पा इज्जत के मान मान मथा पाँच कहता पानी इज्जत बधाइंदा इनके बुधा चाहें तो कुछ अड़ा अहमक दोस्त आन जे मुख्य इस्तेमाल किया पे उन सिर्फ यो ही चाहिए पे तो यूनिस एक खासकेरी जो है आर कम्युनिटी अलायंस का दस्तकदार थी पीपल्स पार्टी जो हिस्सों बनजे उनके लिए उन्होंने कोशिशों वरतियों उनके लिए मुलाकात क्यों पर मुख्य जो सो उन एक तरफ एक गाल बे तरफ उन्होंने प्रोग्राम किया सख्त अल्पाग में मुजम्मत क्या तो मुझे मथा ये इल्जाम बढ़ी वो तो 90 लाख रुपया या गादी अगली वरतो है पीपल्स पार्टी से मिली वो है ना उनके बुधा चाहें तो ना न बिकाऊ माल आया ना झुकंद ना ही आऊँ कें खरीदार खरीद के खरीद भी तो असा गलत सोच है
अल्लाह ताला रिज़्क राज़ी ना रोज़ी देना रोलाए आऊं इन चीज़ से बिल्कुल ही भरोसा ही नो क्या तो आऊँ वही के साथ कमिटमेंट करे कि वायदो करे कि बी करे वही पेनर का दस्तबरदार थे हथ घड़ा अड़े मुझे नस्ल में मुझे तुकम में मुझे सियासत में अड़ी का गाल ही न बाकी आऊँ एक दफो वरी भी तमाम दोस्त के बुधाइंदा बीठो आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ़ पीपल्स पार्टी जो भी मदीर में जी भी जी भी अहदेदार सदूर चाबी उनकी मुख्य परवाह ना मुख्य परवाह तो मुझे आवाम दे।